हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी पांच दोस्तों के बारे में है जो स्कूल में काफ़ी फेमस होते हैं, लेकिन उन सबको एक सेसी गर्ल से प्यार हो जाता है। लड़की किसको मिलेगी, कहानी क्या है, चलिए जानते हैं। होगा मौत तो कवाई हो ते ना नानी सुन दायो हाँ तो होगा सुनानी सुन दायो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं पांच बॉयज के ग्रुप को जो पूरे स्कूल में काफी फेमस हैं। तोशी, ताकू, जुन, नाव और कोजीरो, ये इन पांचों के खूबसूरत नाम हैं। स्कूल की हर लड़की चाहती है कि ये बॉयज उनके बॉयफ्रेंड बने। एक दिन जब स्कूल के बाहर कुछ बदमाश लड़के एक लड़की से बदतमीजी कर रहे होते हैं, तो तभी तकू वहीं आता है। ये F5 बॉयज ग्रुप का मेंबर है। वो उनको मारता है और उस लड़की को उन गुंडों से आजाद कराता है। तभी ड्रामे का मेन हीरो तोशी वहीं एंट्री मारता है। ये बॉय सबसे ज्यादा हैंडसम और फेमस है, सब इसे प्ले बॉय समझते हैं। वो उस लड़की से कहता है कि जाने मन, मेरे दोस्त इनसे लड़ रहे हैं, क्या हम कहीं और चलें? दूसरी तरफ ड्रामे की फीमेल लीड हेना भागते हुए स्कूल की तरफ आ रही है। वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। अपने अब्बा के जॉब की वजह से ये ढेर सारे स्कूल बदल चुकी है। जब वो स्कूल पहुंचती है तो वो तोशी को एक लड़की के साथ देखती है और वो सोचती है कि वाओ, ये स्कूल तो ज़बरदस्त है। यहाँ फ्रेंडशिप, यूथ, लव सब कुछ है। इस स्कूल का तो मैं ड्रीम देखती थी। बहुत मज़ा आने वाला है इस स्कूल में। हेना को स्कूल का डायरेक्टर बताता है कि हमने तुम्हें स्पेशल क्लास ए में रखा है। क्लास ए के स्टूडेंट्स तुम्हें अजीब लग सकते हैं, लेकिन तुम जल्द ही उन्हें समझ जाओगी। हेना जब क्लास की तरफ जा रही होती है तो तभी उसकी नज़र पड़ती है प्ले बॉय तोशी पे, जो एक और लड़की के साथ होता है। हेना सोचती है कि कुछ देर पहले ये तो किसी और लड़की के साथ था, ये कमीना तो बुरा लड़का है, इससे बचना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि F5 बॉयज को पता चलता है कि एक न्यू फीमेल स्टूडेंट ट्रांसफर हो के आई है। नाओ बताता है कि बेचारी बहुत सारे स्कूल से ट्रांसफर हो के आई है, अब हम इसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये देखो, हमने स्कूल डेटा बेस से इस लड़की का रिकॉर्ड निकाला है। तोशी हेना का बायो डेटा देख के कहता है कि अब बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद जब हेना स्पेशल क्लास ए में आती है तो वो देखती है कि इस क्लास में सारे स्टूडेंट्स तो बॉयज़ हैं। सब लड़के हेना को ऐसे देखते हैं कि जैसे बेचारों ने कभी लड़की नहीं देखी। भला कैसे देखते, उनकी क्लास में इससे पहले कोई फीमेल स्टूडेंट नहीं थी। हेना अपना नाम बताती है। क्लासमेट सिंगल बॉयज क्लैपिंग करके कहते हैं कि वेलकम प्रिंसेस, हमें तुमसे मिलके खुशी हुई। डायरेक्टर हेना से कहता है कि इनकी बातों पे ध्यान नहीं दो, तुम पहली फीमेल स्टूडेंट हो इसलिए ये सब इतने खुश हो रहे हैं। तुम जाके विंडो के पास वाली सीट पे बैठ जाओ। दूसरी तरफ F5 बॉयज क्लास के बाहर पहुंचते हैं। ताकू उनसे कहता है कि भाई लोगों, लड़की आ गई है, जल्दी से देखते हैं कि कैसी है वो। वो डोर ओपन करता है, हेना की नज़र तोशी पे पड़ती है। उसे देख के वो कहती है कि ये बेशरम यहाँ पे क्यों आया है। नाव हेना को देखता है, उसे हक करता है और कहता है कि तुम तो खूबसूरत हो। ताकू उसे कहता है कि चल हट भी, इसे हग ऐसे कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी महबूबा है। तोशी हेना के पास आता है, वो उसके ग्लासेस को निकालता है और उसे कहता है कि तुम इसके बगैर अच्छी लगती हो। ये सुन के हेना भड़क जाती है और वो गुस्से में आके उसे थप्पड़ दे मारती है और उसे कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम क्या समझते हो कि हर लड़की तुम पे मर मिटेगी, बेशरम इंसान, तुम मुझसे 10 किलोमीटर दूर रहा करो। जुन हंसते हुए कहता है कि वाओ, तुम पहली लड़की हो जिसने तोशी को ये सब कहा। तकू कहता है कि तुम तो अमेजिंग हो, बहादुर हो, तुमसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। तोशी हेना से कहता है कि प्रूफ करो कि तुम वैसी लड़की नहीं हो, प्रूफ करो जो तुमने अभी कहा। ये देखो, तुम्हारे ग्लासेस मैंने तोड़ दिए हैं। प्रिंसेस, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हेना कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ। वो कहता है कि तुम जल्दी ही समझ जाओगी।
ये सुन के हैना सोचती है कि ओ नो, मैं तो इस स्कूल में आके फंस गई, अब मैं कहाँ जाऊँ। क्लास एंड होने के बाद दूसरी क्लास की गर्ल्स आके F5 बॉयज से मिलते हैं। हैना को पता चलता है कि दरअसल ये पांचों इडियट बॉयज स्कूल में अपने लुक की वजह से काफी फेमस है, हर लड़की इन पे फिदा है। उसके बाद जब हैना को F5 बॉयज अपने साथ ले जाते हैं तो स्कूल की दूसरी गर्ल्स उसे देख के जेलस फील करने लगती हैं। तोशी हैना से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है तो इसमें मेरी गलती नहीं, मैं हूँ ही इतना हैंडसम। ये सुन के हैना उससे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये नामुमकिन बात है। उसके बाद जून हैना से कहता है कि तुम्हारे बहुत से दुश्मन बन चुके होंगे क्योंकि तुम हमारे साथ हो, आज का दिन खतरनाक हो सकता है, हम तुम्हें घर छोड़ के आएंगे। ये सुन के हैना कहती है कि कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। हैना वहां से जाती है और बाद में वो सोचती है कि उस राधे मोहन के साथ जाने से बेहतर है मैं अकेली ही जाऊं। जब वो जा रही होती है तो तभी वहां पे कुछ अननोन स्टूडेंट्स उसके सामने आते हैं, वो हैना पे अटैक करते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है, इससे पहले कि वो हैना को कुछ करते तोशी वहीं आता है, वो उनको मार मार के वहां से भगाता है। जून हैना से कहता है कि हमने पहले ही तुम्हें वार्न किया था। तोशी उससे कहता है कि चलो प्रिंसेस, मैं तुम्हें घर तक पहुंचाता हूँ। हैना उसके साथ जाती है पर वो डर रही होती है। तोशी उसे कहता है कि ये नाटक बंद करो, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। वहीं पे दूसरी स्कूल गर्ल्स आती हैं, वो हैना को देख के तोशी से पूछती हैं कि ये लड़की कौन है। तोशी उनसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के हैना कहती है कि ये बंदर झूठ बोल रहा है। गर्ल्स तोशी से कहती हैं कि तुम तो प्ले बॉय हो, कब इस लड़की से ब्रेकअप कर रहे हो। ये सुन के हैना उन गर्ल्स को बहुत सुनाती है, जिस वजह से वो गर्ल्स वहां से भागती हैं। तोशी हैना से कहता है कि तुम तो कूल निकली, शायद तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हैना उससे कहती है कि बस करो, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया है, अब जाओ घर वापस। तोशी कहता है कि ओके प्रिंसेस, गुड बाय। नेक्स्ट डे एक लड़की आके हैना से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैना उसके साथ जाती है। जब तोशी क्लास में आता है तो उसे पता चलता है कि हैना को कोई लेकर गया है। रिमाइंड करने पे तोशी समझ जाता है कि जरूर कल वाली लड़कियां हैना से नाराज होंगी। दूसरी तरफ गर्ल्स हैना को बुली करने लगते हैं और उसे धमकाते हैं कि तुम तोशी से दूर रहो। और इसी के साथ ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। सेकंड पार्ट देखने के लिए पार्ट 2 लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।